क्वेश्चन सिंपल था. अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. व्हाट आर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज इज 5 मीटर. वो कौन से दो एंगल हैं जिसके लिए रेंज 5 मीटर है. अब यहाँ पर आप डेल्टा को टिक नहीं कर सकते. डेल्टा तब होता जब हमें वैल्यू गिवन ना होती. यहाँ वैल्यू गिवन है तो आपने उस वैल्यू के मुताबिक देखना है कि हमारे पास वो कौन से दो एंगल होंगे जिन पे आपके पास जो रेंज होगी वो इक्वल आएगी. अब डेटा को देखें. जो डेटा गिवन है हमें, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, और जो रेंज हमारे पास है वो कितनी गिवन है, वो 5 मीटर गिवन है. क्या करें, इस डेटा के अकॉर्डिंग एंगल को कैलकुलेट करें. रेंज का फार्मूला हमारे पास होता है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी. यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा को कैलकुलेट करेंगे. साइन 2 थीटा आएगा आर इंटू जी ओवर वी आई स्क्वेयर. आर कितना है 5, जी कितना है 10, और वेलोसिटी 10 का स्क्वेयर. ये कैंसिल हो जाएगा. 5 ओवर 10 का मतलब होगा 1 ओवर 2. तो साइन 2 थीटा 1 ओवर 2, 2 थीटा इक्वल आएगा साइन इनवर्स 1 बाय 2. साइन इनवर्स 1 बाय 2 किस एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे. तो यहाँ पर आपके पास एंगल आ जाएगा 2 थीटा 30. तो थीटा कितना आ गया 15. इसका मतलब ये हुआ कि 5 मीटर रेंज जो होती है वो 15 डिग्री पर होती है. अब 15 डिग्री के साथ किसका पेयर आएगा, तो हमने क्या पढ़ा था कि दो एंगल्स जिनका सम 90 हो. तो 15 के साथ किसका पेयर आएगा कि 90 आए, तो आंसर होगा 75. कोई भी रैंडम हम नहीं कह सकते. तो अगर एक वैल्यू गिवन है तो उस गिवन वैल्यू के लिए देखना पड़ेगा कि एंगल क्या है. तो 15 और 75 आंसर क्या होगा, अल्फा. क्लियर. तो अगर वैल्यू ना गिवन होती, सिंपल होता कि किन दो एंगल्स के लिए रेंज इक्वल है, तो फिर आपका आंसर होता डेल्टा ऑल ऑफ दीज. जब वैल्यू गिवन है उसको सॉल्व करें, एंगल फाइंड करें, फिर उस एंगल के साथ देखें पेयर क्या बनेगा. फर्ज करें एंगल आता 25, तो 25 के साथ फिर पेयर क्या बनता, 65. अगर एंगल आता 30, तो 30 के साथ बनता 60. अब अगर एंगल 15 आया है तो 15 के साथ जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा, 75 डिग्री का.